ट्विटर ने परमानेंटली कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। परमानेंटली सस्पेंशन का मतलब कि अब कंगना रनौत चाहकर भी ट्विटर पे नहीं आ सकती हैं, ट्विटर नहीं यूज कर सकती हैं। इवन वो अपने फैन के नाम से भी कोई अकाउंट बनाती हैं तो कभी भी ट्विटर उनको वेरीफाई नहीं करेगा। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत के साथ ये रैंडम मतलब अचानक हो गया है, क्या पहले से उनको वार्निंग नहीं मिली थी? दोस्तों, वार्निंग की एक लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, उनको ये वार्निंग मिली थी सबसे पहली बार जब वो तांडव वेब सीरीज के अगेंस्ट में उन्होंने जो ट्वीट किया था उस टाइम पे तो उनका अकाउंट टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि अगर आगे से ऐसा वो रूल वायलेट करेंगी तो उनको फिर से परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, रंगोली चंडेल उनके सिस्टर हैं जिनका अकाउंट भी परमानेंटली सस्पेंड हो चुका है। उनको भी लास्ट टाइम जब वो तबलीगी जमात पे एक बहुत ही भद्दा ट्वीट की थी, एक बहुत ही रिलीजियस कंट्रोवर्शियल ट्वीट की थी, जिसमें उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था गाली के साथ, एब्यूजिव लैंग्वेज के साथ उन्होंने ट्वीट किया था, इसलिए उनका अकाउंट भी परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरी चीज, एक तीसरी चीज़, बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या कंगना रनौत का अकाउंट वापस रिस्टोर हो सकता है? तो आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट, जिनके 8 करोड़ 80 लाख फॉलोअर हुआ करते थे, यानी लगभग 9 करोड़ फॉलोअर हुआ करते थे, उनका अकाउंट अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है, परमानेंटली सस्पेंडेड है, जो कि एक इतने बड़े देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनका अकाउंट अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। तो कंगना रनौत के तो सिर्फ 30 लाख के आसपास फॉलोअर हैं, उनका क्या अकाउंट रिस्टोर होगा? ऑब्वियस है कि कंगना रनौत ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से ट्विटर का रूल वॉयलेट हो रहा होगा, जिससे ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड किया है। अब ये हम सबको पता है कि इस वक्त बंगाल में किस तरीके से दंगे हो रहे हैं, किस तरीके से दंगा भड़क रहा है जब से TMC जीती है। ऑब्वियस है कि इसकी जो भी क्रेडिट है, जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है, ये गलत है। ये वहाँ की होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और होम मिनिस्ट्री वहाँ की TMC गवर्नमेंट की है। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि बहुत ही और दंगा भड़काने वाला है और वायलेशन को प्रमोट करने वाला है, जिसके वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया। उसमें लिखा है, दिस इज़ हॉरिबल, यानी कि जो हो रहा है वो बहुत भयावह है। वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, सी इज़ लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर, टू टेम हर मोदी जी प्लीज सो विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000। अब ये बहुत से लोगों का कहना है कि जो 2000 का ये वर्ड यूज किया है कि अपना विराट रूप दिखाइए, मोदी जी अपना विराट रूप दिखाइए, जो 2000 के समय पर आपका विराट रूप हुआ करता था। अभी बहुत से लोगों का मानना है कि 2000 क्या था, 2000 में ऐसा क्या हुआ था? तो हम सभी को पता है कि 2000 में एक गोधरा हत्याकांड जो भी हुआ था, जिसमें कितने मुस्लिम मारे गए थे, मतलब एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जो कि देश में बहुत ही स्ट्रेस का सिचुएशन लेते आया था, जिसके वजह से खुद हमारे देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाकर वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, जिसमें उन्हें कहना पड़ा कि राजा को राज धर्म निभाना चाहिए, जिसके वजह से इन्होंने सामने ही बहुत रफली, आप कभी वीडियो देखिएगा, बहुत रफली मोदी जी ने रिस्पांस दिया था कि वही तो कर रहे हैं साहब। तो इस टाइप का सिचुएशन था और वही कंगना रनौत कह रही हैं कि वापस से मोदी जी वहाँ पर करें। दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी से भी आप पूछिएगा, कोई भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही ये कहीं भी है, ना ही ये कहीं भी प्रूव है, और ना ही कोई ये कहता है कि ये मोदी जी ने कराया था। सब कोई कहता है कि ये रैंडम हुआ था। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कंगना रनौत सीधे सीधे ब्लेम कर रही हैं कि उस वक्त जो किया था वो मोदी जी ने किया था, वो मोदी जी का विराट रूप था। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी खुद नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो ये कही हैं कि ये जो कह रही हैं वो सही है, ये बिल्कुल ही गलत है। पहली चीज़ तो ये वॉयलेंस को प्रोमोट करता है। दूसरी चीज़ ये कह रही हैं कि उन गुंडों को मारने के लिए आप और बड़े गुंडा बनिए, और सुपर गुंडाज का मतलब हमें और बड़े गुंडा बनना चाहिए उन लोगों को मारने के लिए। अब ये बात हम सबको पता है कि कभी भी ईंट का जवाब ईंट से देना या तलवार का जवाब तलवार से देना अच्छा नहीं होता है, सही नहीं होता है, क्योंकि दंगे के बदले दंगा होना और दंगा भड़केगा। वो कहते हैं ना कि तलवार के बदले तलवार में सिर्फ अंत में तलवार ही बचता है। तो दंगे के बदले दंगा होना हमें नहीं लगता है कहीं से किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इस पर जो कंगना रनौत का रिस्पॉन्स है वो और भी रेडिकुलस है। न्यूज़ एजेंसी NI से बात करते हुए उन्होंने कहा है, कंगना रनौत ने, कि यहाँ पे कलर रेसिज्म हुआ है, यानी कि ट्विटर वाले अपने देश में कलर रेसिज्म किए हैं, क्योंकि वो वाइट कलर वाले हैं और हम लोग ब्राउन कलर वाले हैं, तो ब्राउन कलर वालों के साथ रेसिज्म हो रहा है। अब आप जरा सा सोच के देखिए कि यहाँ पे कलर रेसिज्म कहाँ घुस आया।
अपने देश में जहाँ पे कलर के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी कलर वाइट हो सकता है, कोई भी ब्राउन हो सकता है, यहाँ पे कलर के नाम पे कोई भी रेसिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देश में एक नया टर्मिनोलॉजी घुसाने की कोशिश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कलर रेसिज्म हुआ है यहाँ पर। मतलब कितना बेवकूफ समझती हैं वो लोगों को। दूसरी चीज़ कि उनके इस बयान पे और उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, इवन बीजेपी के खुद के लोग, बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवी हो गए या फिर संबित पात्रा हो गए, इन लोगों ने भी अभी तक कोई अफसोस नहीं जताया है, ना ही कुछ अपना आक्रोश जताया है कि जो ट्विटर ने किया है वो गलत है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आक्रोश जताएंगे तो ट्विटर उनके साथ भी कर सकता है, और दूसरी चीज़ अगर अफसोस जताएंगे तो लगेगा कि वो कमज़ोर है।